जयपुर में बैंक लूटने की कोशिश, कैशियर से मांगी थी चोरी की चाबी, नहीं दी तो मारी गोली, मचा हड़कंप। राजधानी जयपुर में सवेरे बैंक लूट की कोशिश हुई, जिसमें बैंक में घुसे लुटेरों ने कैशियर से तिजोरी की चाबियां मांगी। कैशियर ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी। इस घटना के बाद हंगामा हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों और आसपास से गुजर रहे लोगों ने साहस दिखाते हुए दो लुटेरों में से एक को काबू कर लिया और पुलिस का काम आसान कर दिया। उसे पीटा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच दूसरा लुटेरा फरार होने में कामयाब हो गया। घटना जोटवाड़ा थाना इलाके की है। डीसीपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि जोटवाड़ा में जोशी मार्ग के नजदीक स्थित पीएनबी बैंक की ब्रांच में यह वारदात हुई। आज सवेरे करीब 9:30 बजे के आसपास बैंक में कामकाज शुरू हो गया था। कैशियर नरेंद्र कुमार अपनी सीट पर थे और बैंक से संबंधित काम में जुटे हुए थे। इसी दौरान दो युवक अंदर आए और कुछ देर तक बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने पैंट की जेब से गन निकाली और हवा में लहराना शुरू कर दिया। वहां मौजूद स्टाफ सन रह गया। उनमें से एक लुटेरे ने कैशियर को गन पॉइंट पर कर लिया और कहा कि तिजोरी में रखा कैश निकाल कर दो। वह कैशियर से चाबी मांगने लगा, लेकिन नरेंद्र ने विरोध किया और चाबी देने से इनकार कर दिया। दोनों में धक्का मुक्की हुई तो इस दौरान लुटेरे ने कैशियर को गोली मार दी। नरेंद्र वहीं खून से लथपथ हो गया और नीचे गिर गया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले दोनों लुटेरे बैंक से बाहर निकलकर भागने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान बैंक स्टाफ ने बाहर निकलकर शोर मचाया और शोर मचाने से आसपास मौजूद लोग वहां आ पहुंचे और बैंक स्टाफ के साथ मिलकर एक लुटेरे को काबू कर लिया। बाद में पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। दूसरा लुटेरा फरार होने में कामयाब हो गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस सर्च शुरू कर दिया गया है। पूरे शहर पीएनबी बैंक जोशी मार्ग पे होटल स्टार इनके सामने फायरिंग, दो लोग थे उसमें से एक आदमी को पकड़ लिया है और एक गार्ड को गोली लगी है। मौके पर अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। पुलिस को सूचित कर दिया गया था 1 घंटे पहले।